अच्छा मेरी भी लगी यार अपने राज सरकार नू भी इधर अपने बादल साहब नू सुखबीर बादल नू सारे नू मैं अपनी कर चुका जो कि मेरी अज तक किसी ने नहीं इन्होंने गौर किया कि इन्ने चिर तो कोई बंदा जेल दे विच बंद है कि नहीं जो कि मेन रिहा किया जाए नजायज कट रहा मेरी यूपी गवर्नमेंट ने करके मेनु हरिया किया जाए सेंटर गवर्नमेंट ने भी जे कतालोग करके मेनु हरिया किया जाए मैं चाहना अपने मां बाप की सेवा कर रहा जो मैं जे किया ही नहीं गा तो मेन एडनी वड्डी सजा गवर्नमेंट ने क्यों अगर दिन रात की सजा की गल करिए उम्र कैद बन गई उम्र कैद कट चुके वाधू कट चुका जी 24 साल कट चुका बावजूद भी जेल सजा हां जी जेल हूं किस विषय बाहर आ रहे हो मैं छुट्टी का किन्नी देर की छुट्टी है एक महीने की कि छुट्टी बैलेंस तक 4 तारीख की वापसी माता पिता ने बस हो मैरिज हुई ना जी ते किस तरह गुजारा चलिया घर का रिश्तेदारी करते ने जो भी अपने ओही कर रहे ने हालात बहुत माड़े ने इस टाइम ते मेरे तो किराए जोगे पैसे भी नहीं जो मैं अपने पैर भी पिछे जा सक कोई जहेबंदी नहीं मेरा सुन रही तो हूं ते इस टाइम मेरी माता नु भी नहीं दिंदा जो ओहदे पत्थरियां ने ऑपरेशन करन दे पैसे भी नहीं गए मेरे कोल दादी मेरी माता पई है रोटी पानी का गुजारा किस तरह चल रहा है रोटी पानी में इस तरह चला रहे हैं चक्की दे सारे चला रहे हैं जी कोई एहो जी जेडी जेडी आमदन है कोई आमदन नहीं गई छोटा भाई बखरा माता पिता ने उन्होंने कोई एहो जे सारा देने वाला कोई नहीं गा मैं तो आप एहो ही बेनती है मेरी सरकार अगे भी सारे अगे मेरी फरियाद सुनो तो मेनू जेल दे विचों रिहा कोई जगह जमीन है तुहाडी कोई ना कोई नहीं चक्की तो अलावा और कोई नहीं रिश्तेदार ने लेके दी है और दादी मेरी आज तक मंजी ते बही हुई है जो कि अजे कहती मैं तेरा ब्याह देख के मर हूं ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਬੱਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ और ए मेरी फरियाद दे पहुंचाउणगे जां पैर वी करनगे की विश्वास करदे हो तुसी यूएसए यूनिवर्सल एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन वालों की जेड़ा तुहाडा इन्होंने इन्ना साथ दित्ता वा उन्हां बारे किस तरह तुसी धन्नवाद करोगे अगर तुसी साडी सजा रिहा हो जांदे हो या तुसी अपना तुहाडी सजा माफ हो जांदी है मैं इहनां दा बहुत धन्नवादी करांगा मेरे दे गुरु मेरे निकलणगे जिन्हां ने रिहा करवाउणगे क्योंकि मेरी किसी ने जहेबंदी ने नहीं किसी सुनी किनिया जहेबंदियां ने कोई कहता मैं फलानी जहेबंदी का कोई कहता मैं फलाने ग्रुप मेरी किसी ने अजे तक किसी जहेबंदी ने कुछ नहीं मेरा किया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह से मैं ला चुका मेरी कोई सुनवाई नहीं और दूजी गल मैं पिछली बार मैं आया तो सुखबीर बादल जी ने भी कहा मैं एक केस करांगा मैं सारा कुछ मेरी नॉलेज दे विच पहला नहीं हुण मेरी नॉलेज दे विच आया उन्होंने भी कहा उन्होंने बाद दे विच कोई मेरी अज तक उन्होंने कोई गल ही नहीं की थी। मैं उन्होंने भी दोबारे हम सारे ने यही कहना मेरी हम दोबारे में मेरी एक बेनती सुनो फरियाद सुनो जो कि मैं हम रिहा किया जाए मैं तो यही चाहना मेनू रिहा किया जाए जो जिन बहुत टाइम हो गया मेनू डबल सजा कट चुका इस इधर 14 साल दी है मेनु 21 साल 24 साल हो गए ने जेल दे विच जो के उम्र कैद तो बाद उम्र कैद तो बाद हो गई सर एक साल ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हां जी बिल्कुल कोई नहीं सुनदा जी ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ हरियाई दे इधर तो छुट्टी तो सही सलामत कट के मैं चले जाना और यूपी गवर्नमेंट वालों ये है थाने वालों जे बाहर आंदा है इहदी जान नू खतरा है
ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਾ ਵਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਾੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਟਾੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਜੋ ਕਿ ਟਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਟਾਉਣ